उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से जुदा होने के साथ ही ये सवाल सियासी हलके में गूंज रहा है कि उनके जाने से जेडीयू को कितना नुकसान होगा। ये सवाल इसलिए शिद्दत से उठ रहे हैं क्योंकि जिस लवकुश समीकरण के साथ जेडीयू का जन्म हुआ था उसमें खुद को कुशवाहा समाज का कद्दावर नेता समझने और दावा करने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू में नहीं है। बिहार के राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि बिहार में करीब 10% कुशवाहा कुर्मी के वोट हैं। इनमें सर्वाधिक वोट कुशवाहा जाति का है। जब लवकुश समीकरण बना तब उपेंद्र कुशवाहा खुद को कुशवाहा वोटों के ठेकेदार समझते थे। उस वक्त के अपुष्ट आंकड़ों के अनुसार बिहार में स्वर्णों की आबादी 11.60% आंकी गई थी। यादवों की आबादी 14.60% बताई जाती है। यादवों से अधिक महज मुसलमान हैं, जिनकी आबादी 15.50% मानी जाती है। बनिया की आबादी 8.2% है। कुशवाहा जाति के लोगों की आबादी 4.7% और कुर्मी की 3.3% मानी गई है। यानी कुर्मी की आबादी से थोड़ी अधिक कुशवाहा जाति की आबादी है। कई समय से लगातार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश तेजस्वी पर भड़के हुए थे और तो और जेडीयू पार्टी को कमजोर भी बता रहे थे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बयानों से लग रहा था कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा से काफी नाराज भी चल रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू पार्टी ही छोड़नी पड़ी और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी अलग पार्टी बना ली जिसके अध्यक्ष वो खुद होंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के बाद एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा अपने समर्थकों को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ यूं था कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपेंद्र कुशवाहा बाहर निकले वैसे ही समर्थक नीतीश कुमार चोर है का नारा देने लगे, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज दिखे और रुक कर पूछने लगे कि किसने ये नारा लगाया। कुशवाहा के इस्तीफे देने के बाद से ऐसा लग रहा है मानो उपेंद्र कुशवाहा तो पार्टी से गए ही, साथ ही महागठबंधन के बीच आग भी लगा दी हो और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर ग्रहण भी लगा दिया हो। वो इसलिए क्योंकि लगातार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केसी त्यागी ने तेजस्वी के सीएम बनने को लेकर जो बयान दिया है उससे तो यही लगता है कि जेडीयू के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव काफी नाराज होगी और ये नाराजगी शायद यहाँ तक पहुँच गई कि पट्टा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार तो पहुँचे लेकिन नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी खाली थी जो तेजस्वी का इंतजार कर रही थी। लेकिन बेचारी कुर्सी को कहाँ पता था कि तेजस्वी यादव सभा में ही नहीं पहुँचेंगे। खैर, अगर सच में उपेंद्र कुशवाहा का अपनी बिरादरी पर जादू चला तो नीतीश को जिस कुशवाहा कुर्मी वोटों का समर्थन मिलता रहा है वो आधा से भी कम रह जाएगा। यानी नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक में 4.5% वोटों का नुकसान होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने शुरू में नीतीश का पक्ष लेकर उनके काफी करीब आए थे, इसी वजह से उनकी आरजेडी से अदावत भी बोल ली। अब तो वो नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार हो रहे हैं, या यूं कहिए कि सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। कुशवाहा को पहले उम्मीद थी कि नीतीश के प्रति लॉयल होने पर उनको लाभ तो जरूर मिलेगा और तो और दोबारा वो जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय कराए थे इसलिए कि उनका राजनीतिक वनवास दूर होगा। एमएलसी बनाकर नीतीश कुमार ने उनका सियासी वनवास खत्म भी किया लेकिन महत्वाकांक्षा के मारे कुशवाहा इससे अधिक यानी मंत्री पद की उम्मीद भी पाले हुए थे। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पहली बार इसलिए मौका नहीं मिला कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद यानी 2021 में वे जेडीयू से जुड़े हुए थे। इधर कुशवाहा मौके के फिराक में थे। दूसरी बार मौका तब आया जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन से हाथ मिलाया। यहाँ भी वो मौका चूक गया जिसके बाद से लगातार उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से ये साफ था कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी अपनी चरम पर है और वो कभी भी पार्टी से निकलने का फैसला कर सकते हैं। अंत में उपेंद्र कुशवाहा सबसे खफा होकर उबकर इस्तीफा दे दिया और एक बात और भी महत्वपूर्ण,
वो क्या, उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो अंत में उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा देना ही लाजमी समझा।